हेलो स्टूडेंट, एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th मैथ में सदिश बीजगणित में वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ सकते हो, बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सदिश आपको दिया हुआ है कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई के माइनस टू जे के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। यानी कि परिमाण हमें क्या बोला हुआ कि ऐसा हमें सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण जो हो वो 7 इकाई हो। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा और ये 2021 में भी आपके रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सरल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, हमें सदिश दिया हुआ है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू हमें दिया हुआ आई के माइनस के टू जे के, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे कि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से कि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश आप सभी को निकालना आता होगा, फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है भाई, इसके लिए होता है ए कैप। ठीक है, इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपान के मॉड में वेक्टर ए होता है, क्या कहते हो, बिल्कुल मात्रक सदिश ए कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपान मॉड में वेक्टर ए होता है। बात क्लियर है, यही होता है इसका फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दिए, वेक्टर ए हमें दिया हुआ कितना आई कैप माइनस के टू जे कैप बटे के मॉड वेक्टर ए। इसका मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई का गुणांक का अंडर रूट में आई के गुणांक के स्क्वायर प्लस अंडर रूट में क्या होता है वाई के गुणांक सॉरी जे के गुणांक का भी क्या होता है स्क्वायर होता है रूट में। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा भैया आपका अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए माइनस के साथ लिखते हैं तो माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें सरल करना है तो सरल करना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से आई केप माइनस टू जे केप अपान, नीचे करेंगे तो देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, एक 1 ये तो 5 आ जाएगा, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यही होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इतना हमारा यहां से आ गया तो लिखेंगे सदिश सदिश वेक्टर ए की दिशा में परिमाण में यही दिया हुआ है परिमाण 7 कि एक सदिश क्या है हमारी बी मान लेते हैं, सदिश बी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 सात, देखिए क्या 7 ही तो 7 इंटू आपका क्या हो जाएगा ए कैप, यानी कि सदिश वेक्टर ए के अनुदिश मात्रक सदिश का इसमें क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे और ये वैल्यू हमने यहां पर निकाला हुआ है, यही वैल्यू यहां पर हमें पुट कर देना है। तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 अपान रूट में कितना 5 कोश में हो जाएगा आपका आई कैप माइनस टू जे कैप और यही होगा आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सदिश वेक्टर ए की दिशा में जो परिणाम परिमाण 7 है तो 7 की एक सदिश एक वेक्टर बी वी होगी। तो यहां से दूसरा पूछा हुआ है तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू जितना रहेगा परिमाण, ध्यान सुनो जितना रहेगा 7 रहेगा 10 रहेगा 20 रहेगा जो भी रहेगा उतना इंटू आपका इकाई सदिश हो जाएगा, ठीक सॉरी मात्रक सदिश हो जाएगा। और मात्रक सदिश हमने यहाँ पर क्या है वेक्टर ए कैप है तो यहाँ पर ए और ये हमने निकाल रखा है फॉर्मूले से, बस यही वैल्यू पुट कर देगा जो भी आएगा वो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, और यही हमें सदिश पूछा था यानी कि बी वाला सदिश आपसे पूछा हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोग भी अपने तबीयत को बहुत ही क्लियर रखिएगा और ज़्यादातर आप भ्रमण करने के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि महामारी बहुत तेज बढ़ रही है
और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को भी बुखार आएगा तो बहुत दिन आपको झेलना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जो होगी वो नुकसान होगी। तो इस बात को आप लोग समझिएगा और घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, और साथ में पढ़ाई करते रहिएगा, पेपर आपकी कराए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप माइनस, एक ये दिया हो, दूसरा दिया है माइनस आई के माइनस 4j के, और तीसरा दिया है माइनस आई के प्लस 4j के, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमसे ये कहा है कि दर्शाइए, ये जो हमें सदिश दिया हुआ है, तीन सदिश ये दिया हुआ, कहता है दर्शाना है हमें कि एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, आइए सरल करते हैं भाई इसे भी। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि माना हमें वो जो जो सदिश दिया हुआ है माना, तो हमें ओ ए दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर ओ ए बराबर हमें दिया हुआ 2i कैप दिया हुआ है, और वेक्टर ओ बी बराबर हमें दिया हुआ माइनस आई कैप माइनस के 4j कैप दिया हुआ है, और वेक्टर ओ सी हमें दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस के 4j कैप, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले फटाफट सबका मॉड निकाल लेते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड में वेक्टर ओ ए, तो इसका आप परिमाण निकालना सभी स्टूडेंट जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से मॉड वेक्टर ओ बी निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट में कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। उसी तरीके से मॉड वेक्टर ओ सी निकालना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आपका रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमने देखा भाई कि यहाँ पर मॉड में वेक्टर ओ बी जो है वो बराबर आ गया है मॉड में वेक्टर ओ सी के। तो हम कह सकते हैं अगर इसमें से एक भी अगर इसमें से दो अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ जो सदिश है वो हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। तो ये लिखेंगे अतः, यही एक कंडीशन इसका होता है यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है या बनाते हैं। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। यानी कंडीशन आपको यहां पर यह दिखाना है, अगर आपको कहीं पर भी, ध्यान सुनेगा, आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में देर रहेगा कि तीन सदिश दिया हुआ है और या तीन बिंदु आपको दिया है और कहता है यहां पर कि समद्विबाहु त्रिभुज दर्शाइए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कुछ नहीं करना, सीधा आपको परिमाण निकालना है। अगर दो परिमाण आपस में बराबर होते हैं तो कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज एबीसी जो होगा वह एक हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान सुनेगा, यहाँ पर सदिश नहीं दिया, ये बिंदु आपके यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन हमारा कि ए बी सी डी ई एफ एक समष्टभुज है जिसमें ए पर बल जो है वह वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर ए ई तथा वेक्टर ए एफ कार्य करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी वेक्टर जो है वो 3 3 वेक्टर ए डी है। ये हमें यहाँ पर निकालना है। बात करते हैं कि ये 2008 में 10 में 11 में और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो जो हमें दिया हुआ है, हमें समष्टभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समष्टभुज का यहाँ पर फिगर बनाएंगे और आपको दर्शाएंगे किस तरीके से हम सरल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए बी, फिर ये हमारा कुछ ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा फिगर हमारा इरर है लेकिन ठीक है, आप बना सकते ए बी सी डी ई और यहाँ क्या हो गया आपका एफ हो गया। तो पहला क्या था आपका ए बी, ए बी के लिए ऐसे है तो यहाँ पर हम ऐसे तीर दिखाएंगे। ठीक है, ए बी हो गया, ए सी भी क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनेगा वेक्टर ए बी दिया है, ए सी दिया है, ए डी, इसी तरीके से सबका एरो बनाएंगे। देखिए ये ए सी दिया वेक्टर ए सी तो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और वेक्टर ए डी यही ए से ही दिया हुआ है तो यहाँ से ये क्या होगा ए डी हो जाएगा, और ए ए ई दिया हुआ है ए हो गया, और ए एफ ए हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई फिगर। अब शुरू करते हैं हम सरल करना। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये समष्टभुज है,
ए बी सी डी, और जिनके बिंदु आपको दिया हुआ है बल इतना कार्य करते हैं। तो अब ज्यामिति से बात करते हैं यहां से कि सी डी, ध्यान सुनेगा, सी डी और ए एफ तथा ई डी और ए बी परस्पर समांतर और बराबर है। ए बी परस्पर समांतर हैं तथा क्या है, बराबर। अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या क्या मैंने बोला, सी डी, सी डी को देखिए ध्यान से, सी डी ए एफ, ए एफ ध्यान सुनिएगा, ये वाला पोजी ये और ये, और ई डी, ई डी और ये, और इसके साथ साथ ए बी, ये सब क्या है आपस में, क्या है परस्पर समांतर है और आपस में क्या है बराबर, यानी ये इसको हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे इसलिए, इसलिए यहां पर दिखाएंगे कि सी डी बराबर है आपके ए एफ के, और यहां पर कह सकते हैं उसी तरीके से वेक्टर सी डी बराबर होगा वेक्टर ए एफ के, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहां से ई डी बराबर होगा आपके, ध्यान सुने ई डी, ई डी ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका वेक्टर ई डी इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा आपका वेक्टर ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, अभी इसका यूज आएगा इसलिए इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब लिखते हैं, अब बलों का परिणामी सदिश, अब बलों का परिणामी सदिश, ठीक है। तो यहां से परिणामी सदिश निकालने के लिए क्या होगा, आपस से जितना वेक्टर दिया सभी को जोड़ लेंगे, तो यहां से क्या जाएगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, सभी को अब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहां पर हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, और ये हमें निकालना भी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए ई ए वेक्टर ए बी, ध्यान सुने वेक्टर ए बी की जगह हम ई डी लिख सकते हैं, जैसा कि यहां पर हमें दिया हुआ है, हमने निकाल रखा है तो रख देते हैं यहां पर वेक्टर ई डी, ये हो गया प्लस वेक्टर ए सी, जैसे वैसे लिख देते हैं प्लस, यहां पर ए डी है तो वेक्टर ए डी ऐसे लिखते हैं प्लस वेक्टर ए ई प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा ए एफ, ए एफ की जगह वेक्टर सी डी लिख सकते हैं, जी हम बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे वेक्टर सी डी, ठीक है। ये यहां पर हमने लिख दिया, अब इतना हो गया। अब जो सेम सेम इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी कि वेक्टर ए ई, ध्यान सुनिएगा वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी को एक साथ लेते हैं, ठीक है, प्लस यहां पर वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी को एक साथ लेते हैं, और प्लस यहां पर हो जाएगा आपका वेक्टर ए डी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर देखिए हमने किसको किसको साथ में लिए हैं, देखिए ए ई प्लस ई डी, ई डी इसको एक साथ, और ए सी प्लस सी डी एक साथ, और ए डी यहां पर हो गया। अब देखिए ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान से देखिए, अब हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे ए ई, ए ई प्लस ई डी, ई डी ये हो गया, और इसको क्या हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए डी लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा त्रिभुज के नियम से, ये वेक्टर देखिए वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी, और ये बराबर होगा वेक्टर ए डी के, ठीक है। तो यही हम यहां पर लिखेंगे, ये हो गया आपके बराबर वेक्टर ए डी के, ठीक, इतना हो गया। प्लस इसी तरीके से ए वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी को भी लिखेंगे, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी प्लस सी डी, सी डी, और इसका परिणामी सदिश क्या होगा वेक्टर ए डी होगा, क्या कहते हो, बिल्कुल राइट है, इसके जगह हम ए डी लिख देंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डी, और प्लस यहां पर ए डी पहले से ऑलरेडी है। अब तीनों का आपस में जोड़ेंगे थ्री वेक्टर यहां पर ए डी आ जाएगा। क्या आपको यही सिद्ध करना था, क्या आपको यही सिद्ध करना था, जी हाँ यही सिद्ध करना था, और यही होगा आपका आंसर होगा।
अगर आप त्रिभुज के नियम थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सरल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर फिगर वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे ही हम उसको सरल करते हैं और ऐसे ही सरल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या दूर किया जा सके। और जो नए स्टूडेंट है तो फटाफट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी और इसके लिए 20 मई के बाद बोर्ड द्वारा डिसाइड होगा कि कब आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और मैं मानता हूं कि आप लोगों की टाइम टेबल निकल रही है और इसके बाद निरस्त की जा रही है, तो आप लोगों पर एक फर्क पड़ता होगा कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन हम आपको बताने चाहेंगे कि देखिए जो पठन पाठन होता है, शिक्षा होता है, ये कभी खराब नहीं होती है और इसे आपको रेगुलर करना चाहिए और आसानी से आपको पढ़ना चाहिए। बाकी जब पेपर होगा हम देंगे और इसके लिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा क्योंकि महामारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए और बाहर कम टहलिए। अगर तनिक भी आपको बुखार आएगी इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान का मतलब है कि बुखार तो जो आएगा उसको आएगा, समय उसके साथ आपका जाएगा और बुखार के बाद आपको इतना थकान महसूस होगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो पहले से आप सेफ रहिए ताकि आपको इस नौबत से ना गुजरना पड़े, जैसे कि मुझे एक हफ्ता लग गया ठीक होने में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में बातें आ रही हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि शाम को मिलेंगे। और शाम को इसके पहले दोस्तों मैंने आपको मॉडल पेपर, ध्यान सुनेगा, इसके पहले मैंने मॉडल पेपर आपके फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के और इंग्लिश का दो मॉडल पेपर डिस्कस किया था और बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और मैंने ये कहा था कि इसका बहुत ही जल्द हम इसका पीडीएफ लेकर आएंगे और सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो शाम को आपका फिजिक्स का और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का जो है सोल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिलेगा और वहां से आप लोग सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उसका आंसर भी देख सकते हैं, उसको आप अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।